रही हो तो अभी बिहनिया बिहनिया के आप सबो झल राम राम जय जोहार है। और बिहनिया आज अच्छा बहुत शानदार मौसम है, अभी सूरज देवता अभी हल्का हल्का निकले धरत है, आप मन देख सकत हो, तो आज मौसम बहुत बढ़िया है। तो आज हम कुछ नया आप मन दिखात हन कि हमारे बड़े भैया है रोहित शर्मा, तेन हाँ योग जागरण समिति के सचिव है, प्रदेश सचिव। और आप मन ल बात नहीं बता रहे हो, अभी आप मन बताता हूँ, वो समिति के महू एक ठन सदस्य हो, तो हमन योगा उगा घलो हन भैया, ऐसे बात नहीं, ऐसने ऑलराउंडर नहीं लिख देन। तो योगा आज हमन सीखन अपन भैया के साथ थोड़ा बहुत करके देखथन, प्रयास करथन। योगा योग स्वास्थ्य पर बहुत ज़रूरी होते, तो हम हाँ देखा था, प्रयास करा था, आप मन योगा करे करो, योगा बहुत ज़रूरी है। पूरा पीछे
संगवारी हो ये रीत हमारे मन की योगा और योगा आदमी वाला करना चाहिए महू आज प्रयास करें वैसे बीच बीच में करत रहता हूँ ऐसे बात नहीं भाई लेकिन आज योग शिक्षक और आदरणीय बड़े भैया रोहित शर्मा जी हमारे योग जागरण समिति है तेकर प्रदेश सचिव है छत्तीसगढ़ प्रदेश के सचिव है तो ओकर माध्यम से करेल मिली सब आप मन देखे हो और आप मन अगर योगा नहीं करत हो तो आप मन करे कर भैया बिहनिया बिहनिया की योगा खाली पेट में अब जाथन देखा था चाय नाश्ता कहीं कुछ तो संगवारी हो आज मैं जाऊँ अपन गांव अपन घर काहे मोर महातारी रोज फोन कर करके बुलावा था आज जाना भी जरूरी हुआ थे देखा था सोचा था मन तो देख मैं काहे दो दिन चार दिन रुकू की कह रहे हैं लेकिन यहाँ आवे डोकरी डोकरा दादी दादा मन करा तो माया प्रेम ऐसे बंधा जाबे कि आज 15 दिन हो गए का बताऊँ तेकर सेती आज जाए जाए के मन हुआ थे बहुत दिन से मतलब अब बहुत दिन हो गया ना तो जाना जरूरी है तेकर सेती आज मैं जाऊँ तो अभी भर जा था नीचे थक गया थोड़ा योगा कर वारी हो मैं हो गया हूँ नहा धो के तैयार और कल के रात के बहात बची रही तेल मैं खा लूँ बासी मस्त चटनी के साथ बहुत अच्छा लगी मज़ा आ गया तो अभी जाए के तो मोर मूड बिहनियाल रही से बिहनियाल जाना है प्लान रही लेकिन कई बार कैंसिल हुआ तो मोर घर जाए के प्लान है तो अभी शाम के जाऊँ लेकिन आज पक्का जाऊँ काबर माँ भी बार बार बुलाते गाड़ी दी नहीं थे तो मोला घर भी जाना जरूरी है तो मन है यहाँ आवे तहन जाए के नहीं हुआ है देखने एक दिन दो दिन चार दिन कहात कहात 15 दिन हो गए लेकिन आज जरूर जाऊँ तो शाम के जाऊँ अब दोपहर के यहीं रुक जाता हूँ अभी तो सुबह हो जाना चाहूँ चाह सका था लेकिन अभी धूप में कोई मतलब नहीं होकर सच्चा शाम के जाऊँ तो अभी अब थोड़ा आराम किया जाए खाना वाना तो हो भी बोरे बोरे बासी खाट रहे छत्तीसगढ़िया डिश ब्रेकफास्ट बोरे बासी जाओ इसने 2-4 दिन क्या है यार भैया एक इसने कर करके 15 दिन हो गए तो आज जाना जरूरी चाय पीऊँ मलाई मार के पीता हूँ मैं देख लो आप मलाई मार के ही चाय पीता हूँ ऐसे वैसे चाय नहीं पिया क्या चाय जहाँ चाय है वहाँ राय है जहाँ चाह है वहाँ राह है जहाँ चाय है वहाँ राय है तो संगवारी हो अरे कहा संगवारी हो मुलत जाना है तो चलो जल्दी जल्दी चाय पीता हूँ फिर जाऊँ मैं घर मैं जाता हूँ घर अपन गांव माचा भाट तो इति बैठे मोर दादी दादा कहाँ पर था दादी ठीक है तो आओ आऊँ फिर 2-3 दिन में एक आध हफ्ता ठीक नहीं जाओ कहाँ थे चल जाबे काबर तो संगवारी हो मैं निकल चुके हूँ अपन गांव गनियारी ले अपन गांव माचा भाट दादा दादी के पास से अपन मम्मी पापा भाई के पास तो संगवारी हो आप मन के बने रहा और हम दिखाबो घर पहुँच के तो अभी सीधा हम जात हन बहुत मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया तब निकले हम काबर बहुत धूप रही दोपहर में और शाम के थोड़ा अभी थोड़ा अच्छा मौसम होते तो ये समय होते सफ़र करे के या सवेरे के सफ़र होते तो अभी मैं निकल चुके हूँ तेज हवा के साथ धूम मचा ले टोपी उड़ा के डर है तेकर से दिमाग ले हूँ ये होते छत्तीसगढ़िया दिमाग मैं पहुँच गया अपन घर और मोर माता राम है आशीर्वाद लेट रहे हो का कहा था तो मैं अभी आया था बहुत दिन में कहा थे डंडा धरे बैठे है डंडे में लगा हूँ बहुत दिन लगा दे के का है आज आ कल आ कहा था इसमें हाँ आज आता हूँ कल आता हूँ कई कई के 15 दिन हो गए ये पेड़ पौधा मतलब घलो आप मतलब जरूर देखा हूँ का है कैसे हाल चाल सबके बताऊँ तो अभी मैं हाँ केरा खा लेता हूँ केरा हमारे फर गिरी से पाक गिरी से और आज ये दे आए हूँ गाड़ी चला के चश्मा पहने रहे तेकर बाद भी आँखी पूरा लाल लाल हो गए 6 बजे पहुँच गया हूँ 4:30 के निकले रहे हूँ 1.5 घंटे लगते गाँव से यहाँ तो ये दे मोर बर केरा बचा के रखे मोर माँ हाँ का है अब्बड़ अकन केरा के ढेरा फर रही आप मतलब दिखाया हूँ पहली तो वो केरा के ढेरा है टूटे के बाद पाक गए और केरा के पेड़ में पाक थे तेकर अलग स्वाद रही थे तो अभी मैं खाऊँ एक केरा ला और आप मतलब घलो खाना है तो खा लो आहा केला है कि संतरा है कि सेब है कि अनार है इसी टाइम लग बहुत बड़े बहुत मोटा तो संगवारी हो आप मन देख सका था बहुत मोटा और बहुत बड़े केला है अब ये केला मैं खा था पूरा खा पाऊँ कि नहीं मालूम लेकिन बहुत बड़े केला है तो मैं खा
बाकी केला से अलग है स्वाद है, मीठा है केले, हाँ केले जैसा लगा थे, लेकिन पेड़ के पके घर के केला है। बेचते तेन मन हो सके कुछ डाल के बेचा तो ही उकर बादे पको के बेचते तो एकर अलग है। संगवारी हो एकर खात ले मोर पेट अच्छा खासी लग गए और एकदम से पेट भरे असन उठ उठासी लग गए। एक ठन के आधा के आधा खवाए मतलब आधा खवा गए तेमा के ब्लॉग में यही मेर विराम देवा था। कल और मिलबो कुछ नवा वीडियो के साथ, कल के मस्ती के साथ। तो अभी भर राम राम, पल पल जियो, हर पल जियो।